एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में उड़ीसा को उत्कला कहा जाता था, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ ब्रिलियंस इन आर्ट एंड क्राफ्ट। एक गांव ऐसे भी है जो आज भी उड़ीसा के रिच आर्ट फॉर्म्स और कल्चरल हेरिटेज को नर्चर कर रहा है। कौन सा जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो और बात करते हैं उड़ीसा के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। उड़ीसा में फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म है स्टोन वर्क, वुड क्राफ्ट, ढोकरा कस्टिंग्स, पटचित्र, टेराकोटा एक्सेट्रा। टेक्सटाइल में यहाँ का तोशोर, कॉटन और सिल्क काफी पॉपुलर है। उड़िया आर्ट फॉर्म्स में टेराकोटा का एक अलग ही पहचान है। टेराकोटा मतलब बर्न्ट क्ले, बेक्ड मिट्टी से बनाया हुआ ये स्कल्पचर्स बहुत ही ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव दिखता है। बात अगर उड़ीसा के आर्ट एंड क्राफ्ट की हो और उसमें पटचित्र का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर यही तो उड़ीसा की सबसे फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग है। उड़ीसा पटचित्र आज भी जिंदा है रघुराजपुर के हर एक घर में। यही तो वो गांव है जिसका हिंट मैं आपको वीडियो के शुरू में दे रही थी। रघुराजपुर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फोक आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है पटचित्र। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि उड़ीसा में कौन सा विलेज पटचित्र के लिए फेमस है, तो इसका जवाब भी रघुराजपुर ही है। चलिए दोस्तों, तो आप ये जानते हैं कि रघुराजपुर से आप क्या खरीद सकते हैं, तो मैं आपको दो ही चीजें रिकमेंड करूंगी। एक तो है यहाँ का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और दूसरा है पटचित्र। रघुराजपुर के कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का सैंपल अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन चीजों का जो एंट्री लेवल प्राइस है वो तो बहुत ही कम है, मतलब 100 रुपए के अंदर ही आपको अच्छा हैंडीक्राफ्ट मिल जाएगा। मगर इसका जो अपर लेवल प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं रघुराजपुर के पटचित्र के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो पटचित्र इन जनरल एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो उड़ीसा और बंगाल्स के लोग प्रैक्टिस किया करते थे। एंशियंट टाइम पे रघुराजपुर के आर्टिस्ट पाम लिप्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन आज के आर्टिस्ट वेरियस अदर मीडियम्स जैसे कि सूती और रेशम के कपड़े, नारकेल के छिलके और इवन कांच के बोतलों के ऊपर भी पटचित्र को बनाता है। इस टाइमलेस आर्ट प्राइसलेस है। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी पटचित्र खरीद सकते हैं। वक्त के साथ साथ इसका वैल्यू बस बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं फटाफट आप लोगों को कुछ FAQs का जवाब दे देता हूँ। तो शुरू करते हैं इसके टाइमिंग से। तो देखिए, रघुराजपुर एक गांव है और आप जब चाहे तो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन रात में आप तो किसी अननोन जगह पे किसी अननोन घर में जाना नहीं चाहेंगे, तो आप सुबह सुबह रघुराजपुर के निकले वही अच्छा है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि पुरी से रघुराजपुर की बाय रोड डिस्टेंस कितनी है, तो जवाब है 11 किलोमीटर और ट्रैवल टाइम है लगभग 30 मिनट्स। आप पुरी से रघुराजपुर गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। वैसे दोस्तों को बता दूं कि पुरी में हम जगन्नाथ दर्शन के साथ साथ बीच में खूब मजे किए। हमारी पुरी एडवेंचर के साथ साथ वहाँ की कोविड गाइडलाइंस को जानने के लिए आप ऊपर कार्ड में क्लिक करिए। उस वीडियो का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप हमारी कोणार्क धवलीगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, लिंगराज मंदिर वाली पुरी साइट सीइंग टूर को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर कार्ड में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आया है, तो उसे लाइक करके उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है। और ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। तो अभी चलती हूँ, बाय।